बात करते हैं सोनभद्र की, जहां स्थानीय वैष्णो शक्तिपीठ धाम में शनिवार की रात्र विश्राम के लिए रुके मां बनभौरी देवी का अखंड ज्योति के जत्थे का ढोल नगाड़े से मंदिर समिति व स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। स्वागत के पश्चात उपस्थित सैकड़ों लोगों ने अखंड ज्योति का दर्शन करके मन की मुरादें पूरी करने की गुहार लगाई है। अखंड ज्योति को हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित मां बनभौरी धाम से अंबिकापुर में नवनिर्मित मां बनभौरी मंदिर ले जाया जा रहा था। अखंड ज्योति लेने के लिए सैकड़ों लोगों का जत्था अंबिकापुर से 21 जून को हरियाणा के बनभौरी धाम के लिए रवाना हुआ था। 24 जून को विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद मां बनभौरी देवी का ज्योति का काफिला अंबिकापुर के लिए रवाना हुआ। मां बनभौरी देवी का ज्योति वैष्णो मंदिर पर पहुंचते ही दर्शन के लिए वैष्णो मंदिर पर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और ढोल नगाड़े व आतिशबाजी के साथ मां बनभौरी देवी की ज्योति का स्वागत किया। स्वागत के पश्चात बच्चे बूढ़े महिलाओं ने मत्था टेक कर आशीर्वाद भी लिया। इसके पश्चात काफिले में चल रहे सभी लोगों का अभिवादन करके विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रविवार की सुबह मां की ज्योति का पूजन अर्चन के बाद माता बनभौरी देवी की ज्योति का काफिला अंबिकापुर के लिए रवाना किया गया। काफिले के बाद मंदिर परिसर व आसपास के लोगों में मां बनभौरी देवी की ज्योति का प्रसाद वितरण किया गया। सुरक्षा प्रभारी के लिए डाला चौकी प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर मैं फोर्स मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वभान अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सुभाष मित्तल, डाला व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश जैन, अंकुश मित्तल, राकेश गोयल, विकास बंसल, वीरेंद्र गर्ग समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विराट 24 के लिए सोनभद्र से अनिल कुमार अग्रहर की रिपोर्ट। Oh,